अस्सलामुअलैकुम। आज बात करने वाले हैं केबल लग के बारे में कि बेसिक केबल लग का जो साइज़ होता है वो कौन कौन सा साइज़ होता है और केबल लग को किस तरह से चेक करते हैं कि कौन सा केबल लग कौन से केबल में आएगा। तो आइए सबसे पहले हम लोग केबल लग का साइज़ को देखते हैं। तो ये देखें, सबसे जो पहला रखा हुआ ये वाला, ये सबसे छोटा है। ये देखें, ये है 1.5 स्क्वायर एमएम का। ये देखें, ये है 1.5 स्क्वायर एमएम का, सबसे छोटा है ये। उसके बाद इसके साथ में मैंने रखा है सीरीज़ में, ये है, ये 2.5 स्क्वायर एमएम का है। ये देखिए, ये सारे स्क्वायर एमएम में है इस तरह से। तो ये हो गया 2.5 स्क्वायर एमएम का। फिर ये देखिए, 4 स्क्वायर एमएम का है, 6 स्क्वायर एमएम का है, 10 स्क्वायर एमएम का है, 16 का है, 25 स्क्वायर एमएम का है, 35 है, 50 स्क्वायर एमएम है, 70 स्क्वायर एमएम है, 95 स्क्वायर एमएम है, 120 स्क्वायर एमएम है, 150 स्क्वायर एमएम है, 185 स्क्वायर एमएम है, 240 स्क्वायर एमएम है, और ये हमारा 300 स्क्वायर एमएम है। तो इस तरह का केबल साइज़ है हमारा। सारा केबल का जो साइज़ है और जो हमारा लग का साइज़ है दोनों सेम ही होता है। जैसे ये हमारा केबल का साइज़ है, ये है 25 का हमारा एक ग्राउंडिंग केबल है, ये 25 स्क्वायर एमएम का। तो अभी हम देखें इसमें लगाएंगे 25 स्क्वायर एमएम में और आपको दिखाएंगे किस तरह से ये इसमें लगने वाला है। देखें, ये हो गया 1.5, 2.5, 4 स्क्वायर एमएम, 6 स्क्वायर एमएम, ये हो गया 10 स्क्वायर एमएम, ये हो गया 16, ये हो गया 25 स्क्वायर एमएम। अभी देखें इसे किस तरह से लगाया जाता है, किस तरह से इसको मेज़र किया जाता है। तो ये देखें, ये लग का साइज़ है 25 स्क्वायर एमएम। ये जो है ना, इसका होल, ये वाला, ये होल से हम लोग जानते हैं कि लग का कितना साइज़ है। ये होल का जो साइज़ होता है वो लग का साइज़ बोला जाता है। और ये जो होल होता है, ये होता है बोल्ट के लिए। जैसे कि ये इसका बोल्ट है, इस तरह का, देखिए ये 6 स्क्वायर एमएम का बोल्ट है। तो ये बोल्ट हम लोग इसमें लगाते हैं, इस होल में। इस होल का जो साइज़ है, ये है 6 स्क्वायर एमएम। इसमें देखिए लिखा होगा 25 स्क्वायर डैश 6। ये 25 स्क्वायर एमएम का ये होल का लग है, और ये जो 25 का ये पूरा एक लग है, और इसमें जो ये होल है इसका है 6 स्क्वायर एमएम होल का साइज़। तो आइए देखते हैं, ये जो हमारा केबल है इसको मैंने इंसुलेशन निकाल के रखा है। ये देखें, इसे हम लोग इस तरह से लगाते हैं, इस तरह से देखें, ये इसमें आ गया इस तरह से हमारा लग। तो इस तरह से हम लोग पता करते हैं कि हमारा जो केबल का जो साइज़ और जो लग का साइज़ दोनों ही सेम होता है, दोनों में कोई भी फ़र्क नहीं होता। 25 स्क्वायर एमएम का केबल है, 25 स्क्वायर एमएम का लग भी होना चाहिए। लग का साइज़ का मतलब जो लग का ये होल होता है, इसको हम लोग साइज़ में मेज़र करते हैं लग का। और ये जो इसका होल होता है, इस होल को मेज़र करते हैं बोल्ट में। जैसे इस तरह का ये बोल्ट है 6 स्क्वायर एमएम का, ये देखें, ये 6 स्क्वायर एमएम का बोल्ट है, इसमें जा रहा है इस तरह से, देखें, ये इस तरह से इसको मेज़र किया जाता है लग को। तो इस तरह से सारा ही लग का साइज़ होता है। जैसा आपको साइड पर यूज़ करना पड़ता है, उसी हिसाब से आपको लग का साइज़, केबल का साइज़ देखना पड़ता है कि लग का साइज़ और केबल का साइज़ सेम है या नहीं। तो जितना लग का साइज़ होता है उतना केबल का साइज़ होता है। देखें, जैसे इस तरह का यह हमारा एक केबल है, इस केबल का हमारा है जाकर के 6 स्क्वायर एमएम। देखिए, ये 6 स्क्वायर एमएम का केबल है हमारा। तो ये जाकर के देखिए, अभी हम लोग 6 स्क्वायर एमएम का, ये हमारे पास लग है, ये इस तरह का लग है 6 स्क्वायर एमएम। देखिए, इसका ये होल जो है 6 स्क्वायर एमएम का है। अभी इसमें देखिए, हम लोग लगाएंगे इस तरह से, देखिए ये इसमें इस तरह से लगेगा। ये है 6 स्क्वायर एमएम का वायर भी, ये है 6 स्क्वायर एमएम का लग। तो लग का साइज जो होता है ये होल होता है, और ये जो होता है इसका बोल्ट का होता है। देखिए, इसने भी 6 स्क्वायर एमएम का होल दिया बोल्ट के लिए। देखिए, इस तरह से बोल्ट इसमें लगाते हैं, देखिए इस तरह से, ये बोल्ट का साइज है। तो इस तरह से हम लोग मेज़र करते हैं लग का। तो और भी साइज है, सारा डिफरेंट डिफरेंट साइज होता है। और जैसे देखिए, ये 120 स्क्वायर एमएम का है। तो इस तरह से और भी है, ये सबसे बड़ा है, 300 स्क्वायर एमएम का लग है। तो लग का जो साइज़ है, ये देखें इस तरह से, ये जो साइज़ है इसमें हम लोग, ये जो है ना, ये बोल्ट का साइज़ है, ये हमारा केबल का साइज़ है। तो ये देखिए, हमारे पास अभी बोल्ट है ये वाला, ये हमारे पास 10 स्क्वायर एमएम का है। तो ये देखिए, इसमें एक बोल्ट का साइज़ है। ये आपको दिखा रहा हूँ मैं इसीलिए ताकि ये साइज़ ज़्यादा है तो आपको पता चल सके। ये देखें, ये हमारे पास 10 स्क्वायर एमएम का इसमें लूज़ हो रहा है, देखिए इस तरह से, ये देखें। तो हम लोग को इसमें लगाना पड़ेगा 12 स्क्वायर एमएम का बोल्ट। जैसे ये हमारे पास में देखिए 12 एमएम का बोल्ट है, इसे अभी हम लोग इसमें लगाएंगे इस तरह से, देखें ये इस तरह से लूज़ नहीं है, देखें इसमें ये टाइट है, देखें ये इसमें टाइट है। ये देखें, ये हमारे पास में जो ये लग है, इसका साइज़ है 300 स्क्वायर एमएम। ये जो है, ये 300 स्क्वायर एमएम का है। और ये जो लग का जो होल है, ये है हमारे बोल्ट के लिए। तो इस तरह से हम लोग मेज़र करते हैं लग का।
कि कौन सा लग है, कितना स्क्वायर एमएम का है, कौन सा लग कहाँ लगने वाला है, कौन सा पैनल है या कौन सा ब्रेकर है या कौन सा आपका एमओवीज है या कौन सा आपका वाल्व है, इस तरह से जो भी आपका है यूज़ करते हैं बिल्डिंग में या हाउस पे, हॉल वायरिंग में या प्लांट में या किसी और साइडों पर, तो इस तरह से लग को मेजर किया जाता है, कौन सा लग है, कितना कितने साइज़ का है और कौन सा केबल है, उसी हिसाब से लग का लगाना पड़ता है मेज़र करके। तो ये देखें हमारे पास एक तरह का और भी लग है, ये वाला, इसको बोलते हैं पीवीसी कोटेड लग। देखें ये जो है ना, ये पीवीसी कोटेड लग है। तो इसमें क्या होता है कि पीवीसी, ये जो है ना, ये वाला, ये जो एरिया येलो, आप येलो कलर का जो आपको दिख रहा है ये एरिया है, ये प्लास्टिक का इसमें एक इंसुलेशन किया होता है, इसको बोलते हैं पीवीसी कोटेड लग। ये देखें ये लग हमारा है 6 स्क्वायर mm का, ये लग देखें इसमें एक होल है, इसका पीवीसी थोड़ा बड़ा देता है ताकि ये आपका प्लास्टिक का जो कवर होता है ये थोड़ा बड़ा होता है। इसके अंदर में देखिए एक आपको दिखेगा, ये आपका केबल का साइज है 6 स्क्वायर mm का ये लग है, और ये इसका होल भी 6 स्क्वायर mm दिया है, तो 6 स्क्वायर mm से 6 स्क्वायर mm का ये लग है। इस तरह से इसका साइज़ भी डिफरेंट होता है, जैसे ये देखिए एक हमारे पास छोटा भी इसका साइज़ एक है, देखिए ये वाला, ये है हमारे पास 4 स्क्वायर mm का लग हमारे पास में पीवीसी कोटेड लग। तो इस तरह से इसका भी सारा साइज़ होता है, तो ये लग का जो साइज़ है और इसका पीवीसी कोटेड भी आता है, तो इस तरह से हम लोग लग का मेजरमेंट करते हैं, किस तरह से लग का साइज़ है, कितना कितना साइज़ है, किसको कहाँ कहाँ यूज़ करना है। तो सबसे पहले केबल का जो साइज़ होता है, केबल के साइज़ के ही हिसाब से लग को मेज़र किया जाता है, और लग को मेज़र करने के बाद में जहाँ पे आप लगाने वाले हैं उस जगह का ब्रेकर है या पैनल है या आपको कोई भी चीज़ है, मूवीज है, वाल्व है, इस तरह से कोई भी आप इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, तो आप वहाँ पर पहले चेक कर लेंगे कि आपका बोल्ट का साइज़ कौन सा है। बोल्ट का साइज़ का मतलब जैसे ये आपका साइज़ है, ये बोल्ट का 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 साइज़ है, और ये हमारा लग का साइज़ है, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये वाला, इस तरह से जितना भी लग में दिख रहा है आपको ये जो पार्ट्स है, इस तरह से जो नीचे का, नीचे का जो हिस्सा थोड़ा सा गोल टाइप का है, ये जो गोल टाइप का हिस्सा है ये लग का साइज़ है, ठीक है। केबल के साइज़ के हिसाब से लग का साइज़ को मेज़र करते हैं, और ये जो हिस्सा दिख रहा है गोल गोल जिसमें ये होल बना हुआ है, ये इसका होल का साइज़ है। सब में देखें अलग अलग होल का साइज़ होगा, इस तरह से होल का साइज़ को देख करके आपको लग को लेना पड़ता है, केबल का जितना आपका स्क्वायर एमएम का केबल है, केबल और लग का जो होता है सेम होता है, लेकिन होल को आपको खुद ही चेक करना पड़ता है साइडों पर कि हाँ किस तरह से आपको कहाँ कहाँ पर क्या लगाना है। तो आज का वीडियो हमारा लग के बारे में इतना ही था।